अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे, हम लोगों ने जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो स्टार्ट किए हुए थे। आज के लेक्चर में हम लोग जो हमारे रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एंड हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग जो हैं वो एक्सरसाइज 1.2 के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। बच्चे, आप लोगों की बुक में क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट मैं रीड करने लगी हूँ। आप लोग अपने सामने अपनी बुक्स जो है वो ओपन कर लें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप लोग लेक्चर लिया करें तो बुक्स अपने सामने जो है वो ओपन रखा करें। आप लोग बुक के साथ जो है कंपेरिजन करके देखा करें स्टेटमेंट को, इससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगी। वैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन की मैंने जो है वो क्वेश्चन के ऊपर भी मैंशन की होती है, आप लोगों को यहाँ से भी ईजिली समझ आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग बुक ओपन कर लें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बुक में हम लोग जो हैं वो कहाँ से ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का सेक्शन नंबर 1 आप लोग ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, मिस्टर एक्स सेव्ड रुपीज 150.5 इन 5 डेज, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू सेव रुपीज 632.1। यानी कि एक पर्सन है, उसका नाम क्वेश्चन में रखा गया है मिस्टर एक्स, उसने 150.5 रुपए 5 दिनों में जो है वो जमा किए हैं। अब आपसे पूछा गया है कि 632.1 रुपए वो कितने दिनों में जमा करेगा। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है वो क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो हम लोग जो है वो इसकी जो है वो रेशो और इसकी जो है प्रोपोर्शन जो है वो बनाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे 150.5 रेशो 5 प्रोपोर्शन 632.1 रेशो एक रेशो जो है वो क्वेश्चन मार्क आप लोग लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन क्या होगा, हम लोगों की जो रेशोज हैं उसको साइन को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे अपने जो है वो ओवर के साइन में, और जो प्रोपोर्शन का साइन है उसको हम इक्वल के साइन के साथ रिप्लेस करेंगे। अब हम जो है वो क्वेश्चन को लिखेंगे 150.5 ओवर 5 इज इक्वल टू 632.1 ओवर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगर हम लोग बच्चे इस क्वेश्चन को जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 150.5 ओवर 5 है और 632.1 ओवर क्वेश्चन मार्क है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 150.5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन मार्क से और 632.1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आप लोगों के एक्स के साथ 5 के साथ, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है वो 632.1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3160.5, ठीक है। और 150.5 जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, तो क्वेश्चन मार्क के साथ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ठीक है। हम लोगों को जो है वो रूल्स का भी पता है कि ये जो है वो इक्वल की जो है वो इस साइड पे 150.5 जो है वो क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3160.5 को फिर हम डिवाइड करेंगे 150.5 के साथ, ठीक है। अब जो है वो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3160.5 डिवाइडेड बाय 150.5 तो हमारे पास आंसर आएगा 21। ये हम लोगों ने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने थे तो हमारे पास डेज आए 21, ठीक है। यानी कि 21 डेज जो है रिक्वायर्ड हैं 632.1 रुपीस को जमा करने में। तो मिस्टर एक्स जो है वो अगर 150.5 रुपए 5 दिनों में जमा करता है तो 632.1 रुपए जो है वो 21 दिन में जमा करेगा। यही आप लोगों के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी और यही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा 21 डेज। यानी कि 632.1 रुपए जमा करने में मिस्टर एक्स को 21 दिन जो है वो लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द रूल ऑफ प्रोपोर्शन दैट हेल्प्स इन फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स ऑफ गिवन प्रोपोर्शन, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने जो है प्रोपोर्शन का रूल जो है वो फाइंड आउट करना है, वो रूल जिसके जरिए जो है हम लोग जो है वो मिसिंग टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड रूल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। यानी कि आप लोगों को मीन को अगर आप लोग जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो आंसर आता है वो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो आप लोगों का होगा। ये आप लोगों का जो है प्रोपोर्शन का रूल है, इस रूल को हमेशा जो है वो आप लोगों ने याद रखना है।
बताइए आप लोगों का लास्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स रेशो 250 प्रोपोर्शन 4:50। आप लोगों से रिक्वायरमेंट क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पर जो है बच्चे एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों को पता है कि हमारी जो रेशो का साइन है उसको हम ओवर में कन्वर्ट करते हैं और जो प्रोपोर्शन का साइन है उसको हम इक्वल के साइन में से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एक्स ओवर 250 इज इक्वल टू 4/50। ठीक है, अब ओवर में दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, हम लोग इनको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को 50 के साथ और 4 को 250 के साथ। एक्स मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 4/250। ठीक है, 4 को जब हम लोग 250 के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1000। यहाँ पर x को 50 से तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि x जो है वो अल्फाबेट है और 50 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो 50 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर हम इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो एक साइड पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1000 को अब हम 50 पे बच्चे करेंगे डिवाइड, 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 20। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर जो हमारे पास आएगी वो आएगी 20। क्लियर हो गया, एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जो रेशो का साइन होता है उसको हम लोग ओवर के साइन में कन्वर्ट करते हैं और जो प्रोपोर्शन का साइन होता है उसको हम इक्वल के साइन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो x रेशो 250 को हम कन्वर्ट करेंगे एक्स ओवर 250, प्रोपोर्शन का साइन इक्वल के साइन में चेंज हो जाएगा और 4:50 को कन्वर्ट करेंगे 4/50। हम लोग इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से और 4 मल्टीप्लाई होगा 250 से, 250 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1000। ठीक है, अब यहाँ पर x जो है 50 से मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक साइड पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है दूसरी साइड पे हमारा जो है वो इक्वल के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करने से। 1000 डिवाइडेड बाय 50, जब 1000 को 50 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20, यही आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। ये तीनों क्वेश्चन हमारे जो थे वो रह चुके थे, ये हम लोगों ने आज कवर कर लिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 के जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को अगर इनमें किसी किस्म का कोई मसला है तो आप लोग बच्चे कमेंट करके जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।